हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम परवीन ऑफिशियल। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ यहाँ पर, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैंने काफ़ी सोचा। सोचने के बाद मैंने सोचा चलिए एक वीडियो डाल देते हैं, क्या मालूम कुछ लोग मुझसे इस चीज़ के लिए सहमत हों और वो मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें। तो वीडियो ये था कि आजकल क्या है, शॉर्ट्स का जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, शॉर्ट्स वीडियो, तो लोग जो है शॉर्ट्स चैनल बना रहे हैं और शॉर्ट्स वीडियो उसमें अपलोड करते हैं। और व्लॉग चाहे कोई किसी का देखे या बड़ी वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन शॉर्ट्स फीड में आपकी शॉर्ट्स जो है वो रैंडमली भी आ जाती हैं। तो हुआ यूँ है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो रैंडमली जिनकी वीडियोस ऐसी फीड में आई, और अभी आपने देखा होगा हमारी मनाली सीरीज़ चल रही है, तो अभी 3 से 4 दिन हम जो है भाई भाभी और भतीजों के साथ में दिन रात हम मतलब साथ में थे। तो आप लोग मुझसे सहमत करेंगे इस चीज़ के लिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो फ़ोन को लेकर कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। जो माएँ हैं वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि जब बच्चा रोता है या माओं को काम करना होता है, या फिर उनको जो है ये है कि चलो फ़ोन दे देते हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं, या फिर कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा लेवल पर करते हैं तभी भी उनको मजबूरन उनको फ़ोन देना होता है और फ़ोन दे देते हैं। तो फ़ोन में बच्चा क्या देख रहा है, रेंडमली उसको क्या फीड में मिल गया है या क्या आ रहा है। कई बार मैंने देखा कि वो कार्टून देखता है और कार्टून के बाद एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसको जो है सॉन्ग देखना बहुत पसंद है, वो सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो जैसे उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आती रहती हैं। तो सारी चीज़ें वहीं नहीं आती है ना, आप स्क्रॉल करते रहें स्क्रॉल करते रहें, फिर कुछ और भी कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं। तो मैंने उसको देखते हुए देखा कि ऐसी ही कुछ वीडियोज़ जो आ गई थी जिनकी मैंने रिपोर्ट भी की थी। तो मैं आप सबसे यहाँ पर ये गुजारिश करने आई हूँ कि इस तरह का कंटेंट, अगर आप गंदे इशारे वाला सेक्सुअल कंटेंट या फिर गंदे गंदे जो इशारे कर करके आजकल जो लेडीज़ हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ ये काम कर रही हैं, क्योंकि जेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेडीज़ कर रही हैं जिसमें उनके हस्बैंड भी साथ में होते हैं, या फिर वही वीडियोस बनाते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली मेरी फीड में ज़्यादा नज़र आए, तो इतना मतलब ऐसे गंदे गंदे से जो है इशारे कर करके, गंदी गंदी चीज़ें करके, जो भोजपुरी गाने हैं उन पर वीडियोस बना रहे हैं, जो हिंदी गाने हैं उन पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं और कपड़े खोल के या जो जैसे भी बना रहे हैं वो उनका अपना है। लेकिन मुझे ये आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो प्लीज़ इस तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए हम YouTube से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम एटलीस्ट अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इतना तो कदम हम उठा ही सकते हैं कि उन चैनल्स की हम रिपोर्ट करें। अगर मैक्सिमम रिपोर्ट्स होंगी तो इस तरह का कंटेंट जो है वो YouTube बैन करेगा, YouTube बैन करेगा, तो एटलीस्ट वो फीड में नहीं आएंगी। जो बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं और उन पर पता नहीं क्या असर पड़ेगा, क्या वो समझेंगे, कैसे समझेंगे। अभी मेरा भतीजा स्कूल भी नहीं जाता है, 2.5 साल का है, और वो इस तरह की फीड्स में जो है उसको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो मुझे देखकर ये बहुत बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मैंने रिलेट किया उन मदर्स से जो मदर्स फ़ोन देती हैं बच्चों को। अच्छा, हम सेटिंग तो डाल लेते हैं कि सेटिंग में हमने क्या है कि मैं जैसे मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, तो जब हम सेटिंग करते हैं वीडियोज़ में अपलोड करने से पहले, तो उसमें एक सेटिंग होती है कि ये बच्चों को दिखाना है, यानी कि ये कंटेंट बच्चों के लिए है या नहीं है। लेकिन यूट्यूब को तो नहीं पता ना कि कौन देख रहा है, और जो मेल आईडीज़ बनी हुई होती है वो उसी के आधार पर ये सेट करता है कि 18 प्लस है या नहीं है। अब यूट्यूब को तो नहीं पता कि बच्चा देख रहा है या 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 10 साल का या 18 प्लस देख रहा है। तो अगर आप मेरी इस छोटी सी जो मैंने कोशिश शुरू की है उसमें आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के अगर कोई भी आप वीडियोस फीड में देखते हैं तो प्लीज़ उन चैनल्स की रिपोर्ट करें। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रही थी, एक गुड़िया गोरखपुरिया के नाम से हैं, एक भाभी गोरखपुरिया के नाम से हैं, तो जो वो भाभी हैं वो बहुत बहुत सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ के लिए, उन्होंने एक्शन भी उठाए हैं कई सारी। मैंने जैसे वो वीडियोज़ देखी ना, तो उसी से रिलेटेड मुझे उनकी वीडियोज़ भी नज़र आई, जिन्होंने वहाँ पर बिहार से हैं वो, उन्होंने मीडिया को बुलाया था और कुछ सो कोल्ड सा किसी तरह का प्रेशराइज करा थी कि इस तरह के चैनल्स को बैन होना चाहिए। और अभी रिसेंट मैंने भी अपलोड किया है अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, तो बहुत गंदा कंटेंट बनाते हैं। इतनी अच्छी सूरत दी है ऊपर वाले ने, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं। डांस करती हैं वो, जो लेडी मैं जिनकी बात कर रही हूँ, 3 से 4 चैनल हैं, वो अच्छा डांस कर लेती हैं, देखने में भी अच्छी हैं, तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाइए। क्यों आजकल के आने वाली जनरेशन को ख़राब करना या उनको गंदा परोस के देना।
ठीक है। अगर आप मेरी इस मुहिम से या मेरी इस कोशिश से अग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादातर लोगों को जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनलों को रिपोर्ट कर सकें और बंद करा सकें। थैंक यू।